क्वेश्चन नंबर एक, साइन थीटा बराबर दिया है कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? यह आप जानते हैं कि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू? 45 डिग्री। दो नंबर क्वेश्चन इसका देखेंगे, कहता है वृत्त का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि निकालनी है, तब परिधि बराबर क्या होता है? पाई डी। पढ़े हैं परिधि बराबर क्या पढ़े हैं? पाई डी। पाई का मान होता है 22/7 और डी का मान होता है दिया है 14, 7 × 14 22 × 2 कितना हुआ? 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु −5, −7 और −1, −3 के बीच की दूरी निकालनी है आपको, तो दूरी सूत्र क्या पढ़े हैं? दूरी सूत्र बराबर क्या होता है बाबू? दूरी बराबर होता है x2 − x1² जोड़ y2 − y1² का रूट ओवर। यहाँ पर x2 के जगह पर कितना है जी? −1 है, −1 लिख देंगे, और ये −5 है, −−5 क्या होता है? +5 हो जाएगा स्क्वायर, +3 − 7² यानी 4² ±4² 16 कितना हुआ? 32। 32 का वर्गमूल निकालिएगा, 16 × 2 यानी 4√2 होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा इसमें? सी। आंसर में क्या लिखेंगे? सी। इसको रफ करके निकालेंगे, आप लोग तो विद्वत इसको बना दिए हैं हम, लेकिन यह रफ करते हैं और रफ करके तभी इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आता है बिंदु 2 और 5 के बीच की दूरी मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है x² + y² का रूट ओवर, 2² + 5 का, 2 × 4 = 25 √29। ऑप्शन में का जो होगा मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कहता है किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत दशमलव प्रसार क्या बाबू? शांत दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। जब हरों का गुणनखंड 2 × m × 5 × n के रूप में रहता है तो क्या होता है? शांत होता है। इसके अलावा अन्य कोई भी अंक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अन्य कोई भी अंक आता है तो क्या होता है? अशांत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है 3/8 हो गया, 2 × 2 × 2 3 हुआ, 2³ क्या लिखेंगे बाबू? शांत। यही आपका एंसर, तो एंसर में क्या हो जाएगा? एंसर में यही होगा ए नंबर 6 का क्या भरेंगे? ए। ये रफ करेंगे फिर में नहीं याद करेंगे, रफ में रफ के लिए है, और एंसर से क्या लिखेंगे और 6 का क्या लिखेंगे? ए। और चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, 7 देखेंगे, 7 नहीं बनेगा आप लोगों से, 7 देखेंगे, −2 = 3 और दिया है 4 × 1 मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का
नियामक सूत्र होता है एक्स वन जोड़ एक्स टू बटा दू इन टू कोमा देखेंगे वाई वन प्लस वाई टू बाई टू माइनस टू प्लस फोर बाई टू थ्री प्लस वन बाई टू क्या हो जाएगा टू बाई टू फोर बाई टू वन टू ऑप्शन में कौन है वन टू ए नंबर ए होगा। नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक बेलन है बेलन की त्रिज्या आर है ऊंचाई एच है तब पीछे चित्र का सूत्र क्या होता है ऑप्शन में दिया आपको पाई आर एल टू पाई आर एल एच पाई आर एच क्या होगा क्या उपाय है टू पाई आर एच नौ नंबर सिक्स थीटा बराबर दिया है साठ डिग्री सिक्स थीटा का मान कितना दिया है साठ डिग्री तो कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू सेक होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है एक बटा सेक थीटा और सेक थीटा बराबर क्या होता है एक बटा कॉस थीटा अगर मान लिया जाए कॉस 60 डिग्री का मान होता है एक बटा दो और 60 का मान कितना होता है वन बाई टू तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा दो यही आपका आंसर। अब देखिए पदांतर पदांतर कहे तो सार्वांतर कहे तो दोनों बात एक है इसको छोटा डी के द्वारा सूचित किया जाता है नहीं तो डी का मान धनात्मक और ऋणात्मक अथवा शून्य तीनों हो सकता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाबू पांच प्लस तीन रूट दू कौन संख्या है और प्रश्न कहेंगे परिमेय अपरिमेय का जो क्या होता है अपरिमेय होता है तो कौन संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या कौन संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब देखिए बाबू उसके बाद अलग क्वेश्चन कहता है कौन अभाज्य तो जिसके दो अपवर्तक एक और स्वयं तो इसमें क्या है ए नंबर में दिया है 28 बी नंबर में 69 सी नंबर 71 और डी नंबर में दिया है बाबू 63 इसमें कौन अभाज्य है सी नंबर क्योंकि 71 में भाग रहेगा अथवा एक से लगेगा।